नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सड़कर, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रिपटॉफ। दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करूंगा, ये जो एलामेंडा का पौधा आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें ब्लूमिंग हो रहा है। अभी कम से कम जो है 2 महीना हो चुका है, इसमें जो है ब्लूमिंग चल रहा है। तो इसी ब्लूमिंग को बरकरार रखने के लिए ये कंटिन्यू ऐसे ब्लूमिंग करे, कैसे आप उसको केयर करेंगे, तो कौन सा जो है वो केयर आपको करना है, इसके ऊपर जो है आज मैं आपसे बताऊंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, पहला जो है केयर मैं आपसे शेयर करूंगा वो है इसका, जो देखिए आप इसका बड्स ये देखिए खिल रहा है, बड्स भी आ रहा है, बहुत सारा ब्रांचेस में बड्स भी है। तो ऐसा कुछ जो ब्रांचेस है जिसमें ऑलरेडी जो है बड्स पूरा जो है खिल चुका है, तो ऐसे ब्रांचेस को जो है आप उसको पिंचिंग कर देना है। तो ये देखिए मैंने जो है यहाँ से जो है मैंने पिंचिंग कर दिया था, ये देखिए। तो ये पिंचिंग करने के बाद अब जो है 2 ब्रांच इसमें से निकला है, और 2 ब्रांच में देखिए फिर से ये दोबारा जो है इसमें बड्स आना शुरू हो गया। तो दोस्तों इसको पिंचिंग कर देंगे तो उसमें नया ब्रांचेस आएगा, और आपको फिर नया नया जो है बड्स बनेगा, और फ्लॉरिंग भी होता रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह मतलब जो है आपको जो आपका जो एलामेंडा का फ्लावर है, एलामेंडा का प्लांट्स है, आप उसको मतलब जो फ्लॉरिंग है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो केयर है मैं आपसे बताऊँगा, क्योंकि इसका जो सीड पॉट्स आप देख रहे हैं, कुछ जो है इसका सीड पॉट्स आप ऐसे आप दिखाऊंगा मैं, ये देखिए ये जो है सीड पॉट्स है। तो जो जितने सारे सीड पॉट्स ऐसे हैं जो कि आसानी से आपके हाथ में आ जाता है, जैसे फ्लावर इसका ख़त्म हो जाता है तो इसका जो सीड पॉट्स है वो धीरे धीरे जो है पीला पड़ जाता है, ऐसे इसका सीड्स जो है बहुत मुश्किल से होता है। तो कभी कभी मतलब जो है ये बन जाता है सीड्स, इसका सीड्स जो है वो बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों चलिए, इस सीड पॉट्स जब पीला हो जाता है तो इसको आपको निकाल देना चाहिए, जैसे जो आसानी से निकल जाता है उसको निकालना चाहिए, जो नहीं निकलता है उसको ज़बरदस्ती मत निकालिए। अगर ज़बरदस्ती निकालेंगे तो इसका जो शेप है वो निकल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ तोड़ के। तो जो शेप निकलता है वो एज गुड एज इसका जो ब्लड है वो ब्लड की तरह ही है। अगर जितना शेप अगर ये आप तोड़ के निकाल देंगे तो फिर ये उतना ही वीक होता रहेगा, और इसका जो फ्लावरिंग है वो कम होगा, और आगे चल के मतलब इसका पौधा भी जो है बहुत ही वीक बनेगा, तो पौधा भी जो है इसका ग्रोथ भी अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे एक तोड़ के जैसे सैप मतलब कहना अगर कच्चा तोड़ देंगे तो उसमें से सैप निकल जाएगा, ये देखिए। तो ये देखिए इसका जो आप देख रहे हैं ये दूध, ये जो मिल्क टाइप जो सैप है तो ये निकलना शुरू हो जाएगा, अगर आप ये सीड पॉट्स को अगर कच्चा तोड़ देंगे तो। जो पीला हो गया जो आसानी से मतलब कहना है उसमें से निकल जाता है तो उसी को निकाल दीजिए, तो उसमें से जो है थोड़ा मतलब एनर्जी जो है इस पौधे को मिलेगा, और आगे जो है फ्लावरिंग और भी अच्छा करेगा। तो दोस्तों एक तो पिंचिंग हो गया, दूसरा जो है सीड पॉट्स को आप आसानी से जो निकलता है उसको निकाल दीजिए, जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे आसानी से ये निकल गया। तो ऐसे सीड पॉट्स जो है आपको थोड़ा सा निकाल देना है, तो इससे क्या है इसका जो ये एनर्जी है इसमें मतलब कहना स्टोर होता है, जितना एनर्जी इसमें से ये लगा रहा था तो वो एनर्जी जो है ये पौधे को मिलेगा, और पौधा जो है अच्छा ब्लूमिंग करेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो केयर है, मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि मतलब महीना में एक बार जो है इसमें फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है जब इसमें फ्लॉरिंग चल रहा है, क्योंकि ये फ्लॉरिंग मतलब बहुत ही अच्छा मतलब कहना फ्लॉरिंग करेंगे तो इसका जो एनर्जी है इसका जो न्यूट्रिशन है वो कम होता जाता है। तो 1 महीने के बाद का जो है ये जो कंडीशन है कितना अच्छा फ्लॉरिंग चल रहा है, और आगे भी ऐसे ही मतलब अपना फ्लॉरिंग करता रहे, इसीलिए अभी इसको जो है दोबारा जो है फर्टिलाइज़र इसमें देना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो फर्टिलाइज़र मैं पिछले महीने में मैंने ये यूज़ किया था, फिर दोबारा जो है मैं इसको रिपीट करूँगा, तो उससे क्या है वो इसका जो ग्रोथ है वो भी ठीक रहेगा, और ब्लूमिंग भी अच्छा करेगा आगे तक, ब्लूमिंग भी अच्छा करेगा। तो दोस्तों जो फर्टिलाइज़र है मैं आपसे शेयर किया था, वो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा,
और उस वीडियो को आप देखेंगे तो वो फर्टिलाइज़र के बारे में आपको पता चलेगा कौन सा दो फर्टिलाइज़र जिसके कारण जो है इतना अच्छा ब्लूमिंग हो रहा है और इतना आप देखिए बूशी और हेल्दी प्लांट्स भी बन गया। तो दोस्तों चलिए उसी फर्टिलाइज़र को जो है मैं आज भी फिर मैं प्रयोग करूँगा आगे, मतलब इसका ब्लूमिंग जो है अच्छा बने, ब्लूमिंग अच्छा करते रहे और प्लांट्स भी मतलब हेल्दी बने। इतना ही जितना ये जो बताया मैंने इसका ब्लूमिंग के पीछे अगर इतना केयर रखेंगे तो फिर ये आगे आगे तक जो है आपको अक्टूबर नवंबर तक जो है इसका फ्लावरिंग चलता रहेगा, फ्लावरिंग अक्टूबर नवंबर तक जो है इसका फ्लावरिंग चलता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा ये वीडियो, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।